गाइस, आपने तो मैगी कभी बनाई नहीं होगी। तुम क्या बना रही हो? चावल। तुमने खाई थी तो मैंने खाई थी और एक आलिया ने खाई थी। पांच टॉफी खत्म हुई। बहुत मेहनत से लाई थी ना, पहिया चला के भट्टी का। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्लैश विद झलक। दिस इज योर गर्ल झलक। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह अच्छी ही होने वाली है, क्योंकि आज मेरे साथ मेरी बेस्टी है। हर बार ही होती है। तो आज ये मेरे घर पे आई है। इसका हाथ सुन हो जाता है बारी का। तो आज ये मेरे घर पे आई है और अभी तो रात हो रही है। तो मेरी विंडो से तो आपको दिख ही है कि रात हो रही है। अब आप कमेंट में ये मत लिखना कि हाँ मैं बताऊँ। अभी हम मैगी बनाने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। देखो हमारी टॉपिक नहीं है लेकिन खत्म हो गई। बोल लेने दे। अब खत्म हो गई। तुमने सब खा ली मेरी पांच टॉफी में। पांच टॉफी लाई थी तो वो दो तूने खाई थी, दो मैंने खाई थी और एक आलिया ने खाई थी। पांच टॉफी खत्म हुई। बहुत मेहनत से लाई थी ना, पहिया चला के भट्टी का। तो गाइस मैंने सोचा कि मुझे अभी से ही अपना व्लॉग स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे व्लॉग बहुत फनी होते हैं और आई नो आप सबको बहुत पसंद आते हैं। तो कल मैं और मेरी बेस्टी कहीं जाने वाले हैं। आई डोंट नो हम लोग कहाँ जाएंगे। अभी हमने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, कुछ ऐसा डिसाइड नहीं हुआ है कि हम लोग को कहाँ जाना है। तो चलो फिर डिसाइड कर लेंगे हम। तो गाइस मैं अभी अपने लिए कपड़े डिसाइड करने वाली हूँ और हफ्ते के लिए भी डिसाइड करने वाली हूँ। तो देखते हैं फिर मेरे खजाने से क्या निकलता है। ये रहा मेरा खजाना, ठीक है, ये है मेरा खजाना। मैं खोलूँगी पक्का कुछ गिरेगा इसमें से। यार मैंने क्या ही करूँ, बस गिरा भी ये है मेरा कपड़ों का पिटार। तो इसमें से मैंने सोचा है कि मैंने अभी वीमार्ट से नया टॉप खरीदा है। कुछ दिन पहले मम्मी की डांट पड़ी थी। तो गाइस मैंने अभी वीमार्ट से मैंने वीमार्ट से टॉप खरीदा था अपने लिए। तो मैंने सोचा है कि मैं वही पहनूंगी। और मैंने ना हफ्ते के लिए ये टॉप कितने का था 350 वाले सेक्शन में से लिया था। और हफ्ता गिर गया। मैंने बोला और गिर गया। तो मैंने हफ्ते के लिए ये वाला टॉप डिसाइड किया है। अभी आपको कल ही देखने मिलेगा। एंड मेरे लिए ये जीन्स डिसाइड करी है। टॉप का भी कुछ पता नहीं। तो फिर चलो कल ही दिखाऊंगी अब आउटफिट में। पहले चुप जाओ, मुझे बोलने दो। तेरे सारे आंसू मेरे हो सकते हैं तो गाइस ऐसा है तो तेरे खातिर हम भी रो सकते हैं। मैं ब्लॉग बंद कर देती हूँ। तू गाल नहीं, तू बोल दे। मैगी बनाओ। तो गाइस मैं अब जा रही हूँ मैगी बना ले। हमारा 14 रुपये वाला पैकेट ये है। 7 रुपये वाला। तो मैं मैगी बनाऊंगी और अक्सर मेरी वीडियो बनाएगी। दुकान वाले ने 1 रुपया वापस नहीं करा। कर दिया 1 रुपया वापस। वो मेरे पास पहले वाले ने करा। अब पहले वालों ने नहीं करा ना, अब वालों ने कर दिया। भाई स्कैम चल गया है। आप भी जब अपनी दुकान से मैगी खरीदे। स्कैम चल गया, स्कैम। 14 रुपए वाली मैगी 15 रुपए में दे रहे हैं लोग। हाँ, तो आप भी अगर कभी मैगी खरीदे तो अपनी दुकान से 1 रुपया वापस जरूर ले, क्योंकि बूंद बूंद से बनता है सागर। 1 रुपए से 1,000 का नोट। तो मुझे रोज 1 रुपया अगर मतलब पूरे साल में अगर 1 रुपया तो मुझे पेटीएम कर दूँ तो मेरे पास 365 रुपये हो जाएंगे साल की। चलो फिर मैं मैगी बनाती हूँ, उसकी बकबक तो चलती रहेगी। चलो मैं आज आपको अपनी काम वाली से मिलाती हूँ, मेरी दोस्त। मैगी बना लो भाई। यार ये तीन मैगी जो है ना तीन हिस्सों में बटेगी, हमें 2 लानी चाहिए थी। क्यों बटेगी तीन हिस्सों? नूर भी जाग रहा है ना। ले चलो। तो यार हमें एक और लानी चाहिए थी, हमने गलती कर दी। और हमारे घर पे तो मैगी के पैकेट खत्म हो गए, क्योंकि मैंने चटोर करना बहुत कम कर दिया है। और सो गाइस आपने तो मैगी कभी बनाई नहीं होगी। तुम क्या बना रही हो? चावल। ये ट्रेंड भी बढ़िया था यार, ये बढ़िया था। आपने तो कभी मैगी बनाई नहीं होगी। आज मेरे ब्लॉग में चावल बन रहे हैं हमारे। आज मेरे ब्लॉग में हफ्ता बोल रही है गाइस। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तुम्हें तो बहुत ही बुरा लग रहा होगा ना। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। तो अब हम अपनी मैगी इंजॉय करेंगे। मैंने हफ्ते को कम साफी, क्योंकि कम देखो भाई बनाने वाले को ज़्यादा मैगी मिलती है, हमेशा की बात है। कोई भी बनाए तो उसे ज़्यादा ही मिलेगा। ओके, मैंने बनाया तो मुझे ज़्यादा मिलेगा। मेरी मेहनत थी, मैंने पहले बर्तन धोए फिर मैंने मैगी बनाई,
अरे मुझे फिर बर्तन धोने पड़ेंगे। अब टेस्ट करते हैं लाइक गाइस गॉइस गॉइस। मैगी भी कितनी, मैगी भी कितनी टेस्टी बनाती हूँ मैं। ये तो गर्म हो रही है यार, मैंने तो एक भी बाइट नहीं ली। खाओगे बताओ कैसे बनाई। मैंने तो कैमरा हटाओ। ओके खाओ। शी इज कैमरा शाय। व्लॉग बना लूँ लेकिन मुखाता नहीं दिखाऊँ। मैं मैगो दिखा देती हूँ कैसी है। कैसी होती है? मैंने इसमें चाट मसाला भी डाला था, चाट मसाले का टेस्ट भी आ रही होगा। मुझे इस मैगी का बहुत दुख हो रही है गाइस, क्योंकि मैगी ना तीन बात में डिवाइड हो गई है। यार पहले पता होता तो हम ज़्यादा लाते, और हमारे घर की भी मैगी ना खत्म हो गई है। अब ना मुंह बंद करके मैं खा लेती हूँ। नहीं क्योंकि हम लोग ज़्यादा मैगी वगैरह कुछ खा नहीं रहे, तो इसलिए मम्मी अब हमारे लिए लेकर भी नहीं आती। कभी कभी हमारा मन करता है तो हम खा लेते हैं, दैट्स वाई। चलो फिर खा लें, हम मिलते हैं आप कल आपसे, अभी हम सोने जा रहे हैं। बाय गाइस। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। और भाई हम उठ चुके थे बहुत जल्दी, फिर मैं नहा ली थी तो मुझे व्लॉगिंग करने का टाइम नहीं मिला। इसका टर्न टर्न बंद नहीं हो रहा है, और ये तो नेस्ती ने अभी मुँह ही धोया है फिलहाल। तो अभी मतलब हम लोग रेडी होने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने लेट हो गए मेरे नहाने के चक्कर में। तो चलो फिर मेकअप करना स्टार्ट करते हैं, इससे पहले कि मैं और लेट हो जाऊँ। मैं अभी कर रही हूँ पहले हफ्सा का मेकअप, और मैं मेकअप नहीं करूँगी भाई, मैं फाउंडेशन नहीं लगाती, बस इसके हल्का कंसीलर लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल नहीं है, क्योंकि मैं जल्दी सो जाती हूँ, उसके डार्क सर्कल ही बहुत लेट सोती है भाई। इसको समझाओ, देखो मुझे नींद नहीं आई थी इस वजह से। ऊपर देख। तो गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं, और अब हम रेडी होके जा रहे हैं, फोटो हमने कर ली है, तो अभी हम ना आप लोग को वहीं जाके मिलेंगे, क्योंकि यार इतने क्राउड में बोलना अच्छा नहीं लगता। गाइज हम लोग डीओ मॉल में आ चुके थे। डीओ मॉल में आने के बाद यहाँ पर एक तो इतना लाउडली म्यूज़िक चल रहा था, प्लस यहाँ पर लोग भी थे, थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था व्लॉगिंग करने में। और ये था वहाँ का टॉप एरिया जहाँ पर हम बैठे थे रूफ़ पर, बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर बैठ के, सच में बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। देन उसके बाद मैंने मेन्यू देखा, तो मेन्यू भी बहुत ज़्यादा टफ था भाई डिसाइड करना कि हमें क्या मंगाना है, क्योंकि इतनी सारी डिशेज थी। बट फाइनली हमने एक इटालियन डिश और एक चाइनीज़ डिश ऑर्डर कर दी थी, जो कि बहुत जल्दी आने वाली थी। देन उसके बाद जैसे ही हमारी प्लेटिंग्स लगना स्टार्ट हुई, मुझे सबसे पहले तो ये अच्छा लगा कि इन्होंने मतलब सब कुछ अच्छे से अरेंज करा, देन उन्हें हमें सर्व करा अच्छे से। और ये था हमारे हाका नूडल्स, जो कि हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पर ट्राई किए थे। मैंने पहले एक जगह के हाका नूडल्स खाए हैं, जिसमें बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं था, वेजीज़ नहीं थी, बट यहाँ के हाका नूडल्स बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। वेजीज़ भी इतनी सारी थी, मतलब ब्रोकली मशरूम्स वगैरह, जो मुरादाबाद में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट यहाँ पे मिल गई, बहुत टेस्टी थे हाका नूडल्स। तो मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किए। एंड नेक्स्ट डिश जो थी वो थी हमारा इटालियन पिज्ज़ा। मार्गरीटा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, बट थोड़ा वो इटालियन स्टाइल में था, सच में ये होता है रियल पिज़्ज़ा, बेजल लीव्स वगैरह लगे हुए थे। और जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, मुझे केचप की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट हफ्सा केचप खा रही थी साथ में, और उसे थोड़ा सॉल्ट भी ज़्यादा लगा, बट कोई नहीं, मुझे बहुत टेस्टी लगा। ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और हमारी प्लेट्स देखो भाई, ऊपर तो मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था, और इतने क्राउड में वीडियो शूट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग आ गए नीचे, और अभी पता नहीं मैं और हफ्सा कहीं और भी जा रहे हैं, सब मुझे ही देख रहे हैं यार, तो मैं बाहर जाके बताऊंगी। बड़ा वाला दे दो भाई। तो अभी हम आए हैं ना पानी पीने, और यहाँ पे भाई कहीं पे बोलने का वही नहीं मिल रहा, क्योंकि इतनी शोर हो रहा है और सब हमें ही देख रहे हैं। मैं दिखाती हूँ, ये बन गया मेरा, ले रही हूँ, थैंक यू। कितना भारी, संभाल के पकड़ लो इसे। तो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ घर पे। वहाँ पे इतना ज़्यादा शोर था, इतना ज़्यादा शोर था, और जो हम गए थे डीओ मोड वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा क्राउन था, इस वजह से मैं क्लिप भी ऐड नहीं कर पाई, और मेरा हुलिया देख सकते हो। और रिक्शा में ड्राइवर कर करके ना पूरी हालत ख़राब हो जाती है, मतलब अच्छे होके जाओ और इतने बेकार होके आते हैं। और नारियल पानी की क्लिप मैं इसलिए नहीं ले पाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी थे, हमारे हाथ से ज़्यादा हैवी नारियल पानी था, तो इसलिए मैं उसकी क्लिप नहीं ले पाई। लेकिन फाइनली हमारे व्लॉग को हम यही करते हैं, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज मुझे हफ्सा के साथ सीरियसली, और हमारा डीओ मोड का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।